ये जो तारबंदी आपको दिख रही है, असल में तार के इधर जो इलाका है जहाँ से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं वो भारत का इलाका है। गांव का नाम है क्वाल गच्छ और ग्वाल पोखर विधानसभा है, उत्तरी दिनाजपुर का एक इलाका है। लोकसभा रायगंज है, देवश्री जो है वो बीजेपी की नेता है, वो यहाँ से सांसद हैं। तो क्वाली गच्छ गाँव में इस वक्त हम लोग हैं। ये आप मानिए कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे जो गांव बसे हैं उसमें से आखिरी गांव में से एक, उन गांवों में से एक जो बॉर्डर के करीब बसा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, चुनावी बातें की जा रही हैं, राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना बॉर्डर के करीब, मतलब पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से दूर, दूसरे देशों की सीमाओं से लगने वाले जो भारत के गांव हैं, बंगला जो पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं, माफ़ कीजिएगा, उन पे क्या स्थिति है, उनकी क्या स्थिति है, वो किस तरीके से जी रहे हैं, उनका जीवन यापन कैसे हो रहा है, वो राजनीति के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम लोग इस गाँव में आए हैं जो कि भारत बांग्लादेश सीमा के करीब बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपने गांव के बारे में भी बताएंगे, गांव की समस्याओं के बारे में बताएंगे। लेकिन जो एक अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि मुझे ये बैलगाड़ी यहाँ पे दिखी है, जो वैसे अमूमन तो आपको गाँव में दिखती नहीं है, अब इसकी जगह पर ट्रैक्टर और बाकी चीज़ों ने ले लिया है। सामने आपको कुछ महिलाएं दिख रही हैं, इकट्ठा हैं एक जगह पे। मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे बीड़ी जो तंबाकू सिगरेट का जो ग्रामीण वर्जन है, हालांकि तंबाकू का हम प्रचार नहीं करते हैं, तंबाकू का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन यहाँ पे बीड़ी उद्योग है। आप देखिए कि कुटीर उद्योग है, जो गाँव की महिलाएँ हैं वो बीड़ी लेकर के आई हैं, एक साहब सामने बैठे हैं वो क्वालिटी चेक कर रहे हैं बीड़ी का, तो उनसे थोड़ा सा समझते हैं बीड़ी का गणित क्या है और किस तरीके से वो क्या चेक कर रहे हैं, कितना पैसा देते हैं। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, साइड आ जाइए, जो आपकी कंपनी है, इनको ये लोग कंपनी कहते हैं। जब हमने इनसे पूछा कि क्यों भीड़ लगी है तो इन्होंने कहा कि कंपनी आई है और कंपनी से हम लोग बीड़ी का कर रहे हैं। क्या नाम है जी कंपनी आपका? मुख्तार आलम। कहाँ घर है आपका आलम जी? दोआबाड़ी। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 6-7 किलोमीटर होगा। 7 किलोमीटर जी। तो ये जो यहाँ आप कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वो समझेंगे तो क्या हो रहा है? सब बीड़ी बनाता है, इसको बीड़ी बना के लाता है घर से, हम लोग चेक करते हैं, चेक करके अच्छा वाला लेते हैं, खराब वाला मैंने अलग कर देते हैं। अच्छा, हाँ। तो अच्छे वाले का क्या रेट देते हैं? अच्छे वाले का रेट देते हैं 147 रुपया। आराम से, बाकी लोग थोड़ा चुप रहेंगे। हाँ, क्या? 147 रुपया देते हैं। 147। 147 जी। अच्छा, और जो खराब होता है उसका कितना देते हैं? खराब का नहीं देते हम। खराब का नहीं देते? नहीं, लेते नहीं खराब। नहीं, वो खराब लेता है ना, इसको छांट के अलग कर देते हैं, उसको पत्ता मसला देते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, जो खराब बीड़ी बना वो इनका, मतलब वो आप नहीं लेंगे? नहीं। अच्छा, तो अच्छा और खराब बीड़ी जरा दिखाइए हमको, कैसा होता है, कौन अच्छा है कौन खराब है? जैसे आपने छांट दिया, ये सब फटा फूटा हुआ है। अच्छा, इसमें जैसे ये तार, ये इसकी रस्सी वस्सी जो है, मतलब डोरी जो है वो टूटी हुई है, इसलिए खराब है, फटा फूटा है। अच्छा। तो बंडिश लगा हुआ है। अच्छा, ये तो पैसा से नहीं खाएगा ना, 10 रुपया मुट्ठा का दाम है, 10 रुपया। हाँ। खराब होगा तो ठीक नहीं होगा ना। ये बिकेगा मार्केट में कितने का? 10 रुपया एक मुट्ठा। हाँ। अच्छा, तो चलिए, आपने पैसे लिए, बीड़ी लिए, तो ये पत्ती आप लेकर के आते हैं क्या? हाँ, कंपनी देते हैं हम लोग। कंपनी कौन सी कंपनी है आपकी? ये हीरो बीड़ी नीलू कंपनी होगी। कहाँ है ये? ये डोबड़ी में है, हमारा घर में, आपके घर के पास है, पास ही। आपको कितना तनख्वाह उनका मिलता है? हमको 10,000 देता है। 10,000 मिलता है, घर परिवार ठीक ठाक चलता है? हाँ, चलता है। तो यहाँ ऐसे कई गाँव है आपके? ये एक ही गाँव? नहीं, अभी तो ये एक ही गाँव है, फुलवाड़ी जाते हैं, 7-8 गाँव जाते हैं। 7-8 गाँव जाते हैं। कितना बीड़ी इकट्ठा हो गया है आज? ये कम से कम 22,000 होगा। 22,000 बीड़ी है ये? हाँ, यहाँ पे 22,000 इस गांव से। हाँ, इसी गांव अभी से है, अभी गन्ना और भी महिला लेके खड़ी हैं, खड़ी और होगा। हाँ, अंदाजा कम से कम 50,000 हो जाएगा। 50,000 बीड़ी आज यहाँ से आप ले जाएंगे? हाँ। चलिए, अब जरा सा जो बनाती हैं महिलाएं उनसे समझते हैं कि कैसे बनता है, इन्हीं से समझते हैं। आपको हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी? सब आती है, सब आती है। इनको सबसे अच्छा हिंदी आता है? अच्छा, तो उनसे ही बात, बहुत अच्छा आता है। क्या नाम है आपका? रीना। अच्छा, तो कितना बनाई है बीड़ी आप? 2000। 2000 बना ली है? कितना समय लगा बनाने में? 4 दिन। 4 दिन में? और इसी में खाना पीना घर परिवार और काम सब काम करता है? और काम बेटी वेटी को दे देती है? बेटी करता है और काम बेटी करती है। आप बीड़ी बनाती हैं सिर्फ?
तो इससे कितना पैसा हो जाएगा और कितना मतलब घर चलाने में कितनी मदद होगी आपको, ये बताइए कितना इससे मदद मिलेगा? मिलेगा, जितना बनेगा उतना मिलेगा। जैसे अभी जो बनाई है इससे आपको कितना पैसा मिलेगा? 2000 मिलवे जितना 147,000। एक बार में पैसा दे देते हैं कि उधार उधार रखता है? अभी हफ्ता हफ्ता देते हैं, हफ्ता देते हैं। तो एक हफ्ते में कितना बन जाता है बीड़ी से आपका? दो दिन बीड़ी पड़ता है। नहीं नहीं, मैंने पूछा कि एक हफ्ते में 4000 पड़ता है बीड़ी। 4000 बीड़ी, उसका कितना पैसा हुआ? 4000 बीड़ी का हिसाब करके दिवे भाई कहते हैं, हिसाब करके पता करना पड़ेगा। पता कर रहे हैं। वो उसमें से जो खराब रहा होगा वो छाड़ देंगे, वो छाड़ देगा। तो जो खराब होगा उसका क्या करिएगा? हफ्ते का 600 इनको एक तरीके से, तो ये 600-700। अच्छा, तो जो खराब हो गया उसका क्या करिएगा? ये तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, वो बेकार हो जाएगा। वो कि यहाँ लोकल दुकान में कि लोकल दुकान में बेच देंगे? खराब नहीं होता है, जो नया कारीगर है उसका खराब होता है। अच्छा। सबका मैंने खराब नहीं होता। तो आपका इसमें ट्रेंड कारीगर सब कौन है? ये वाला सब अच्छा है, ये सब अच्छा कारीगर है। और बाकी लोग नया है उसका छांटते हैं हम लोग, उसका छांटते हैं। देखो ये अच्छा वाला बीड़ी है, इसको नहीं छांटेंगे। अच्छा, जो अच्छा बनाएगा उसको नहीं छांटेंगे। अच्छा, तो ये बीड़ी का कुटीर उद्योग आप इसको कह सकते हैं। आपके बारे में ये कह रहे हैं कि आपको सबसे अच्छी हिंदी आती है। क्या नाम है? क्या नाम है? इधर इधर देखिए, इधर देखिए, क्या नाम है बताइए? क्या नाम है बताइए, तो बताइए बताइए क्या नाम है? आस्मिना खातून। आस्मिना, तो आप भी बनाती हैं? हाँ। तो मैंने आपसे पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो लड़कियां हैं वो सिर्फ बीड़ी बनाती हैं या स्कूल वगैरह भी जाती हैं, कॉलेज वगैरह जाती हैं, पढ़ाई करती हैं? जाता है। आप पढ़ी? नहीं है। कहाँ तक? नहीं पढ़ा लिखा क्या? नहीं, कहाँ तक पढ़ी? फिर भी एक क्लास तक नहीं पढ़ी है। एक क्लास में नहीं पढ़ी? नहीं। और आप? हम टेंथ में हैं जी। अरे वाह, देखिए ये बढ़िया स्टूडेंट हमें मिला है। और बीड़ी भी बनाती हो बेटा तुम? जी सर। मतलब साइड से? हाँ साइड से। तो मम्मी की मदद के लिए बनाती हो कि अपने जेब खर्च के लिए? हमारे जेब खर्च के लिए। तो इससे जो बनता है बीड़ी से वो तुम्हारे अपने खर्चे में जाता है? हाँ, खर्चे में जाता। दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करने में? हाँ, जी, जी। क्या क्या खरीदती हो? स्कूल जाते हैं, जो खर्चा निकलता है वो हम खुद अपने कमाई से निकाल लेते हैं। अरे वाह, स्कूल का सारा खर्चा? नहीं, सारा नहीं, पापा से लेते हैं कुछ। अच्छा। और कुछ हम बना लेते हैं, कुछ अपना बना लेते हैं जी। अच्छा ये बताओ, इधर आओ, तुम थोड़ा इधर आओ, इधर आओ, भीड़ से थोड़ा सा इधर आ जाओ। ये बच्ची है जो टेंथ में पढ़ती है, इससे कुछ बातें करेंगे। इधर आइए, इधर आइए। अच्छा ये बताइए, आप टेंथ में पढ़ती हैं, जो पश्चिम बंगाल सरकार है अभी ममता बनर्जी, उनकी योजनाएं हैं कुछ, आपको साइकिल मिली है? जी सर। साइकिल मिली है जी। सरकार से मिली है? हाँ मिली है। तो उसी से स्कूल जाती हूँ जी। कितनी दूर स्कूल है? स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर। तो जाने आने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, रास्ते में किसी तरह कोई परेशानी? जो हमारे गाँव वाला रास्ता है वो बहुत अभी क्लियर कर दिया, पहले दिक्कत थी, अभी नहीं था। अभी कोई दिक्कत नहीं था? और वैसे रास्ते में किसी और तरह की दिक्कत, कोई छेड़छाड़, कोई परेशानी? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हारे साथ और कितनी लड़कियां हैं? हमारे साथ और भी है 10-15। यहाँ कोई है? यहाँ तुम्हारी दोस्त है कोई? हाँ, तो पढ़ती है? कोई है नहीं यहाँ, कोई नहीं है। अच्छा मुझे एक बार बताओ, आगे क्या बनना है? आगे कहाँ तक पढ़ना है, क्या सोचा है? बीए पास तक करेंगे आगे, और अगर अगर और भी पढ़ना है हमें, अगर पढ़ पाएंगे ज्यादा ही तो और भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मनसबा है हमारा कुछ बनने का। क्या बनने का मन सोचा है कभी? मास्टर। मास्टर बनने का मन जी? पढ़ाने का मन? मैडम जी। मैडम जी कहलाने का मन? हाँ जी। ये देखिए, ये इनका मन है कि ये मैडम जी बने और पढ़ाएं। ये बताइए कि अभी जो पढ़ाई हो रही है आपके स्कूल में, सरकारी स्कूल है जहाँ जाती है? हाँ जानते हैं, सरकारी स्कूल। तो उसमें जो आप जाती हैं, अभी तो बंद होगा ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, है ना? तो वहाँ कैसी पढ़ाई होती है हमारे स्कूल में? हाँ? बहुत अच्छी होता है। अच्छा जी, पढ़ाई ठीक होती है जी? मास्टर लोग पढ़ाते हैं? हाँ बहुत अच्छी है। अच्छी है। कौन सा सब्जेक्ट तुमको सबसे ज्यादा पसंद है? हम लोग तो उर्दू पढ़ते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा। उर्दू के अलावा भी तो सब्जेक्ट होगा? हाँ तो उर्दू है। नहीं, उर्दू के अलावा और क्या क्या पढ़ते हो? उर्दू के आगे और क्या पढ़ते हैं? कौन कौन सा सब्जेक्ट? एक उर्दू पढ़ते हैं, एक इंग्लिश पढ़ते हैं, एक मैथ करते हैं, और एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी, और एक मैथ नहीं, फिजिकल साइंस। अच्छा,
फिजिकल साइंस, हाँ ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, सबसे प्रिय सब्जेक्ट कौन सा, सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है? सबसे अच्छा उर्दू। उर्दू लगता है? कुछ सुनाओगे, कोई कोई शेर, कोई कविता, कुछ उर्दू का तुम्हें याद है? याद तो है लेकिन मुझे नहीं पता कि उर्दू में कविता को क्या कहते हैं। अंग्रेजी में पोएम कहते हैं, हिंदी में हम लोग उसको कविता कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं बेटा उसको, कविता को? कविता का उर्दू में कविता बोलते हैं। शायरी? कविता, कविता बोलते हैं, कविता ही बोलते हैं, शायरी अलग होता है। तो कुछ सुनाओगे कोई कविता, याद है? याद है, सुनाओ। तराना हिंदी। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा, गुलसिता हमारा पर्वत सबसे ऊंचा, हम साये आसमां का वसंतरी हमारा, वो पासबा हमारा गोदी में खेलती है, उसकी हजार नदियां गुलशन है जिनके दम से रस को जना हमारा, आए अवरुद्ध गंगा ना नहीं सिखाती आपस में पर रखना, हिंदी है हम तन है हिंदुस्तान हमारा, यू ना मुसरे रूमा सब मिट गई जा से, कब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। करना हिंदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाती हो, बहुत अच्छा तुम पढ़ती हो। मेरी दुआएं हैं, मेरी उम्मीद है तुम्हारे मम्मी पापा अगर देखेंगे इस इंटरव्यू को, और पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री मुख्यमंत्री अगर देखेंगी, तो मुझे लगता है तुम जैसी बच्चियों को और पढ़ने में आगे मदद मिलनी चाहिए, और स्कूल जाते रहना, ठीक है? ठीक है। अगर घर वाले बोले तब भी जाते रहना, कभी मना करें तब भी जाते रहना, पढ़ाई नहीं छोड़ोगे ना? मना नहीं करेगा, पापा हमारे अच्छे हैं, मम्मी बहुत अच्छी है, मना नहीं करते ना? भाई है वो पढ़ने देता है? हाँ जी। वो दिक्कत नहीं करता ना? नहीं। देखिए कितनी अच्छी बात है, जिस तरीके का एक हिस्टोरियो टाइप बनाया जाता है बच्चियों की पढ़ाई को लेकर के, वो टूटा यहाँ इस गांव में। ये यहाँ पे बीड़ी जहाँ पे दिया जा रहा है वहाँ पे मिली हमें, इन्होंने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, आगे इनको क्या करना है उस बारे में बताया, और ये सबसे दिलचस्प ये बताया कि बीड़ी दे करके जो कमाई होती है इससे ये अपने ही स्कूल और दोस्तों के साथ के छोटे मोटे खर्च जो है वो निकाल लेती हैं, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है। इधर भी कुछ महिलाएँ हैं, देखिए जैसे ही मैं आया हूँ लड़कियाँ चली गई हैं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम बताइए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये एक कॉमन दिक्कत है मैं आपको बताऊं, और इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? हसीरुद्दीन। हसीरुद्दीन, कितनी उम्र होगी आपकी? 65-70 लग गए। 70 लग गया। तो ये बताइए, यहाँ बगल में बांग्लादेश है, आपकी ज़मीन वमीन कहाँ है? सब इसी तरफ है कि उस तरफ भी है? इधर भी है, उधर भी है, मतलब तार के उस तरफ भी है। हाँ, बांग्लादेश में भी है। हाँ, तो उसमें खेती बाड़ी कैसे होती है? खेती बाड़ी तो अच्छा ही होता है, धान होता है, गेहूँ होता है, इसके अलावा कोई खेती नहीं होता है। धान होता है और गेहूँ होता है, गेहूँ होता है। लेकिन कैसे करते हैं खेती, वो तो दूसरे देश में है, फिर कैसे जाते नहीं, आते? अपने देश अपने एरिया में करते, हम लोग का एरिया में है ना, इधर तारबंदी से और भी उधर जमीन है, हम लोग का एरिया पर पड़ता है, वो पिलर है, पिलर का इस पर हम लोग करते हैं, उस पर उन लोग करता है, उन लोग करता है। हाँ, कोई खेत का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, गेट में जाने आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, टाइमली गेट खुलता है, टाइमली बंद करता है। अच्छा, खेती बाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नहीं होता, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं होता। ऐसा कभी होता है कि मवेशी वेशी उस तरफ चले जाए तो फिर दिक्कत हो उसको लाने में और ये करने में? नहीं, वो चला जाना से बना, BSF को बोलना पड़ता है, सर हमारा ऐसे प्रॉब्लम चला गया, इधर वाला BSF उधर वाला को बोलता है। हाँ, हमारे गोरु गया है क्या, कोई चीज गया है। हाँ, उसको वापस कर दो, तो उन लोग मिला के वापस कर देता है, वापस कर देता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं नहीं, दिक्कत नहीं। देखिए ये कितनी मतलब शानदार बात है कि बॉर्डर के करीब आप बसे हैं, बॉर्डर के करीब आपका गांव है। जब मैं इस गांव में आया हूं तो आप देखिए कि ये सड़क है जो गांव के अंदर जा रही है, और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं गांव में। अब ये जो बीड़ी वाला कुनबा है इसको छोड़ देते हैं, इन लोगों का अपना काम है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, यहाँ कुछ लोग हैं, दुकान है ये, और ये हमारे जर्नैल सिंह जी हैं, हमारे सारथी इस पूरी चुनावी यात्रा के। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आइनुल। तो आज दूसरा रोजा है? हाँ, दूसरा है। कितने बजे इफ्तारी का टाइम होगा? 6:06 में। 6:06। हाँ। तो ये बताइए, आपके गांव में हम आए, बॉर्डर के करीब है। हाँ। कलकत्ता से बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो यहाँ काम वाम लगता है, तो कौन से मार्केट जाते हैं आप? सोलपाड़ा जाते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर दूर है जी। सारे काम का सामान वहाँ मिल जाता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है।
तो फिर कलकत्ता जाते हैं, कितनी बार जाते हैं? आपकी तो दुकान है, क्या क्या बेचते हैं दुकान में? ऐसे थोड़ा बहुत साइकिल उकुल बनाता है अपना रोजगार के लिए, कहाँ जाएंगे? उतना दिन पंजाब दिल्ली जाता था तो उधर खाता था, अब तो पंजाब धंधा तो सब बंद कर दिया, खाएंगे कैसे? कहाँ कब से कब जाते थे पंजाब, अब क्यों जाते? पंजाब हम 10 रुपया तैयारी खटा 84 में। अच्छा, उस टाइम तो खर्चा था लुधियाना में दयानल अस्पताल सिविल अस्पताल हम लोग बना के आया। तो अब क्यों नहीं जाते हैं? अब नहीं चल पाता ना, अब नहीं हो पाता है, अब काम अब नहीं बैठे, बैठे, का काम नहीं हो पाता। अब बैठे उम्र हो गया, इधर बैठे बैठे थोड़ा बहुत करते हैं बस। अच्छा, बच्चा अच्छा ये बताइए, आपके गांव में स्कूल जो है बच्चों का वो है सरकारी स्कूल? जी है। कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं, गांव का आगे। अच्छा, और बच्चों के लिए, बड़ी बच्चों के लिए स्कूल है? बड़े बच्चे के लिए यहाँ से दूर है, सोल पड़ा है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर जी। अच्छा, ये पौटी में है। आपकी बच्चियाँ हैं? हाँ, दो पढ़ती हैं जी। किस क्लास में? एक पढ़ता है 7, एक नाइन में। नाइन में जी। तो उनको पढ़ाएंगे आगे की जब शादी वादी कर देंगे? पढ़ाएंगे, अभी कहाँ लग हुआ शादी का, है ना जी। अच्छे से पढ़ने दीजिएगा। पढ़ेंगे तो स्कूल तो बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, कैसे पढ़ेगा? लॉकडाउन तो कोरोना की वजह से हुआ है ना। इधर कहाँ कोरोना, इधर तो कोई कोरोना नहीं है। अरे तो कोरोना कहीं भी हो सकता है, बीमारी है ना। ये बीमारी तो अब तो एक साल उधर गुजर गया लॉकडाउन में, फिर अब आया इलेक्शन, इलेक्शन में बोलता है कोरोना, इलेक्शन निकल जाएगा फिर बोलेगा कोरोना लग गया, तो आदमी बचेगा कैसे? गुली करके मार दो सबको, खत्म। अच्छा, आप ये कह रहे हैं बाहर खटने नहीं पाते हैं, कहीं जाने नहीं पाते हैं, तो आदमी खाएगा कैसे, क्या धंधा करके खाएगा? सरकार लॉकडाउन लगा जाए, 2 किलो करके चावल देता, 2 किलो चावल से गुजारा होगा? कितना लगता है एक परिवार में खर्चा? हर चीज तो खरीदने पड़ता है, काम ही लगा इतना खर्चा। सरकार वही चीज है, गरीब आदमी को तो मारेगा, मारे सब मारता है गरीब को, उम्र हो जाता भाता नहीं मिलता, सरकार से कोई हेल्प नहीं मिलता है, हम लोग को कैसे खाएंगे हम लोग? बुढ़ापा में तो कोई साइकिल बनाता है तो थोड़ा बहुत दुकान रखा 2-1 हज़ार का, वो करके खाते हैं। लॉकडाउन हो गया तो ये भी तो नहीं खाने पाएंगे, बिकेगा तब ना खाएगा, नहीं बिकेगा तो कैसे खाएंगे? तो आदमी आदमी को खाएगा। आप ये कह रहे हैं, ये बड़ी बात है जो आप इशारा कर रहे हैं, जिस तरफ मैं थोड़ा सा उसको सवाल को और दोबारा आपसे पूछता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव तो हो रहा है, मतलब इसी कोरोना में चुनाव हो रहा है। हाँ, तो ये लॉकडाउन नहीं है अभी, अभी कोई लॉकडाउन नहीं, कोरोना का कोरोना दवाई लॉकडाउन हो गया, बंद करो आप। अभी हजार हजार आदमी एक साथ घूमता है, कोई लॉकडाउन नहीं, जन रैलियों में और उसमें रोड शो और नेता सब आते हैं, उसका लॉकडाउन नहीं। अब हमारा सिविल आदमी निकलेगा लॉकडाउन, भाई चलो हटो, फौज नवा देगा, फौज से 2-4 डंडा लगा देगा, भगा देगा सबको, क्या करेंगे हम लोग? हम लोग के पास तो है ही नहीं कुछ, यही बात है बस। ये डर मैं आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल में घूमते हुए कई जगह मैंने महसूस किया, जो आम लोगों में ये डर है, चुनाव है, चुनाव के समय वोटिंग हो रही है, जनसभाएं हो रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, और लॉकडाउन लगाने के बाद जो आम लोग, जैसा कि ये बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है, जो जो दो रोटी के लिए रोज कमाने वाला वर्ग है उसके जीवन में तो लॉकडाउन से तबाही ही आती है। क्या नाम है आपका? अमीरुद्दीन। अच्छा, कितनी उम्र हो गई? उम्र तो 72 चलता है। 72 चल रहा है। तो आपके गांव में, ये बताइए कि ये तो कलकत्ता से बहुत दूर है। बहुत दूर है, हाँ? कभी गए हैं अभी इधर हाल में कलकत्ता? कब गए? घूमने उमने गया। कब गए? गए 2 साल पहले। 2 साल पहले गए, हाँ? आपकी आपकी राजधानी है आपके राज्य की, लेकिन आप 2 साल पहले गए, उसके बाद नहीं गए। तो यहाँ अस्पताल वगैरह है आसपास में? नहीं नहीं, अस्पताल में नहीं है, दूर दूर में है। 10 किलोमीटर है इधर, यहाँ रसाखवा है, गुआगा है, यहाँ से दूर है 10 किलोमीटर दूर। 10 किलोमीटर अगर कोई यहाँ बीमार हुआ, हाँ, तो उसका सबसे पहले इलाज कहाँ होगा? वही बस एम्बुलेंस मंगाना होगा। अच्छा, एम्बुलेंस मंगा के फिर जाना होगा। आ जाता है एम्बुलेंस? हाँ आ जाता है। कितने देर में आ जाता है? आधा घंटा 1 घंटा में। आधा घंटा 1 घंटे में आ जाता है? आ जाता है। और उसके बाद 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। सबसे पास का अस्पताल वही है? वही है, ये है गुआगा। गुआगा हमसे नहीं है सर, वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वहाँ गुआगा में कौन सा अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल है, एक रहता है, रहता नहीं तो कोई नहीं। इमरजेंसी बढ़ेगा तो भाई अभी नहीं होगा, गेट खोलेगा नहीं, जाओ किशनगंज ले जाएगा बड़ा डॉक्टर के पास, जाते जाते कितना रोगी मर जाता है। यहाँ से कम 30-40 किलोमीटर यहाँ बड़ा अस्पताल कहाँ है? कोई नहीं। मन किया तो लोधन में थोड़ा सा है, वहाँ भी थोड़ा सा अस्पताल है,
मन किया तो कि भाई कोई है नहीं, भगा देते। बहुत परेशानी है, क्या करेंगे हम लोग। अभी आप क्या बोल रही हैं, जब हम पूछ रहे थे तो आप कुछ बोल नहीं रही थी, क्या कह रही हैं बताइए। कोरोना का सुनिए, कोरोना के बारे में जानती हैं? जानते हैं तो, हमारे तो बंगाल में है ही नहीं। बंगाल में नहीं है? नहीं है। बहुत तेजी से फैल रहा है जी, बहुत लोग मर रहे हैं बंगाल में भी। नहीं, कोरोना बंगाल में है नहीं, होता है पहली बार जब 50-60 साल हो गया होता है क्या, म्यादी मलेरिया टाइफाइड उसको बोलता है मोदी देवल कोरोना, आगे में नहीं होता है। तुम्हारा दादा का नहीं होता है म्यादी मलेरिया टाइफाइड, वो भी बोलता है मोदी क्या देवल, बोलता है कोरोना। चल बात कोई कोरोना नहीं, इसमें मोदी की बात नहीं है, कोरोना पूरे देश में फैल रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है और बहुत तेजी से है, तो इससे बचिए, बीमारी हो जाएगी तो दिक्कत होगी। हाँ। इसमें मोदी का कोई मतलब नहीं है, मोदी का तो मतलब नहीं है, तो दवा चलता है कि जो जिसका पैसा होता है वो बचता है, जिसका पैसा नहीं वो चल जाता है। होता है ना, गरीब आदमी कितना भी मर जाता है, इलाज नहीं करता है, डॉक्टर देखता है नहीं, हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, क्या बोलेंगे। पैसे तो काम करेगा, पैसा नहीं होगा तो कहाँ से काम होगा। पैसा नहीं होगा तो काम नहीं होता है, कोई नहीं काम करेगा, पैसा नहीं तो कोई काम नहीं करेगा। बंगाल में पैसा ही नहीं, बंगाल कोई पैसा ही नहीं, सब अगर खाली झोला खाली, अगर बाल बच्चा खटने जाने खटने नहीं पाते है, कहीं जाने नहीं पाते तो कहाँ से पैसा आएगा। बच्चा जाता था पंजाब खरता था, दिल्ली खरता था, वहाँ लॉकडाउन करके भगा दिया सबको, एक एक आदमी का 5,000-6,000 रुपया भरा लिया, 10,000 भरा लिया, तो क्या करेगा बंगाल का आदमी, करेगा क्या। ये बता रहे हैं पहले लॉकडाउन की बात भी, ये बता रहे हैं कि जब जो दृश्य आपने देखा था, जो दृश्य आपने देखा था कि मुंबई दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें से ज़्यादातर लोग इसी तरह के किसी गांव में आए, उनका परिवार इसी तरह के किसी गांव में रहता था और वो अपने परिवार के पास वापस आए, अपने परिवार के अकेले कमाने वाले, और उनको उनके लौटने से इस तरह के गांव की अर्थव्यवस्था पे जो असर पड़ा वो बहुत गहरा है, और उसी का जिक्र वो कर रहे थे, उसी का वो बात बता रहे थे। अच्छा ये बताइए, आपका क्या नाम है? मजारुल हक। ये आगे जो गाँव है, कितना बड़ा गाँव है? गाँव बहुत बड़ा है। कितना बड़ा होगा फिर, कितने परिवार होंगे? 1,000 पॉपुलेशन है। 1,000 पॉपुलेशन है, तो ये बताइए यहाँ पे कोई वोट मांगने आया, चुनाव है, कोई प्रचार करने आया? चुनाव के टाइम सब वोट मांगता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता, ना अच्छा एक कॉलेज है नज़दीक यहाँ, ना एक हॉस्पिटल है, ना रोजगार है। सबको रोजगार के लिए किसी को दिल्ली भागने होता है तो किसी को पंजाब, कोई ऐसा रोजगार कोई नहीं देता, सब बोलता है चुनाव के टाइम हम लोग ये देंगे वो देंगे, सब वादा कर लेते वोट हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। अच्छा तो ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनको इस बार बहुत तगड़ी दावेदारी मिल रही है अमित से, बीजेपी से, क्या लगता है आपको? नहीं, सीएम के लिए तो ममता बनर्जी ठीक है, क्योंकि बीजेपी सरकार यहाँ तो दे रही, तो ये हिंदू मुस्लिम का दंगा का इशू उठाता है, वो सब नहीं चलेगा बंगाल में हम लोगों का। अच्छा, वो नहीं चलेगा ना। ये क्यों लगता है आपको कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते हैं? क्योंकि वो लोग जय श्री नाम के नारे पर वोट मांगते हैं, तो वो लोग हम लोग को कभी NRC का धमकी देता है, तो इस चीज़ का धमकी देता है, ये सब बंगाल में, इसलिए उसका इतना ही नहीं है प्रभाव नहीं है। अच्छा, उसका प्रभाव नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस गांव में, चूँकि ये मुस्लिम बहुल गांव है, आगे चलते हैं कुछ लोग और बैठे हैं, उनसे भी थोड़ा समझते हैं क्या स्थिति है। नाली तो पक्की बनी हुई है गांव में आपके, लेकिन हाँ। लेकिन खुली हुई है नाली खुली हुई है, इसको ढकने का कोई नहीं प्रबंध किया। ये शौचालय किस योजना से बना है? ये मिशन निर्मल बांग्ला से बना है, प्रधानमंत्री का बोल रहा है, ये 1,000 का पैसा लिया उसमें बनाया। नहीं नहीं, दो शौचालय को लेकर के दो योजनाएं हैं, एक तो प्रधानमंत्री की योजना है, ये प्रधानमंत्री का है, चल रहा है ऐसे ही क्या, शौचालय ऐसे ही चलता है लेकिन काम होता है कि नहीं? काम होता है, मतलब पूरा नहीं, ठीक से नहीं। अपना पैसा देके थोड़ा अच्छा से बनाया है। अच्छा, ये नाली साफ करके इसी रख दिए हैं? आप रखे हैं? हमने रखे हैं, दूसरा बच्चा रखा। क्या नाम है आपका? लाख मोहम्मद जी। यही रहते थे कि बाहर वाहर रहते थे? नहीं बाहर, लॉकडाउन में आए हैं। हाँ, लॉकडाउन के बाद यहाँ आए? नहीं, यही रहते हैं। बिल्कुल। क्या काम करते हैं? खेती गृहस्थी। अपना मवेशी है? अपना गोरु है, अपना गाड़ी है, अपना घर है। अच्छा, क्या गाय है, कितनी गाय है? दो है, बैल। बैल है? ये तो बैल है। गाय भी है? गाय नहीं है। गाय तो खेती करते हैं, बैल से खेती करते हैं। खेत जोतने का काम करते हैं? सिर्फ जोतने का काम। और क्या काम करते हैं? और कुछ नहीं। तो इससे घर परिवार चल जाता है? बच्चा सब गया है बाहर। और कहाँ कहाँ कमाता है? कोई केरला गया है, कोई दिल्ली गया है। अच्छा, तो कोरोना का अब तो सब जगह फिर से लॉकडाउन का शुरू हो रहा है। शुरू होगा तो फिर बच्चा घर आ जाएगा। पिछले लॉकडाउन में भी आया था? आया था। कैसे आया था?
ओ जांच करके आया था। मतलब गाड़ी मिल गई थी आने के लिए या फिर कैसे आया था? गाड़ी मिल गई थी। गाड़ी मिल गई थी। हाँ, एक का नहीं मिला। हाँ, एक का गाड़ी वो आया ही नहीं घर, एक उधर ही रह गया, बाकी चलाया उधर चलाया। तो ये मुझे लग रहा है कि अजान है ना, अजान हो रहा है ना। हाँ, तो ये अजान हो रहा है, अब लोग नमाज पढ़ने जाएंगे। इससे पहले जल्दी से, मुझे लगता है ये एक बाजार का एरिया भी है, आप लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, तो जाइए, बस एक चीज़ आपसे पूछ लें, उसके बाद आप भी जाइएगा, चूँकि आज तो दूसरा रोजा है ना। दूसरा। अच्छा, ये बताइए आपके गाँव में, चूँकि ये बॉर्डर से सटा हुआ गाँव है, बांग्लादेश के करीब आपका गाँव है, यहाँ कोई आया है वोट मांगने के लिए, किसी तरह की कोई राजनीतिक पार्टी आई है? आते हैं राजनीतिक पार्टी, आते हैं। वो कांग्रेस जोट आए थे, टीएमसी आए थे, दोनों पार्टी आए थे, बीजेपी नहीं आई। बीजेपी नहीं आई है? क्यों, आप लोग बीजेपी को वोट ही नहीं देते, इसलिए नहीं आई? वोट तो यहाँ बिना बोल के 20 तो वोट ये क्या पार्लियामेंट इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में 20 तो वोट तो बीजेपी में दिया है, बीजेपी नहीं आया है। अच्छा, 2019 के तो वोट जरूर, 2019 के इलेक्शन में आप कह रहे हैं 20 वोट मिला था? 20 वोट मिला था यहाँ, यहाँ से जी। इस बार बीजेपी नहीं आई? इस बार नहीं आई। अगर बीजेपी आती तो दो चाल तो पड़ता। और यहाँ तो माहौल है टीएमसी का। अच्छा, टीएमसी जब से आए हैं बहुत सारे काम किया है। दीदी का अलावा कोई नहीं? अच्छा, दीदी के अलावा एक और आदमी इस बार पश्चिम बंगाल में आया है जो कह रहा है कि हम मुसलमानों का वोट हमको चाहिए। नाम बताइए। नहीं, नाम बताइए। मुजाहिर। मुजाहिर नाम है। नहीं नहीं नहीं, अपना नाम तो आप बता ही रहे। मैं पूछ रहा हूँ कि वो आदमी जो पश्चिम बंगाल में आया है और वो कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। नहीं, ओवैसी। ओवैसी को नहीं मिलेगा वोट तो। क्यों? नहीं, हम लोग नहीं सुने ये बात। क्यों? कि मुसलमानों को वोट चाहिए, कहाँ सुने हैं? हम तो देखे भी नहीं उनको। नहीं, वो हम तो देखे, जो आप बोल रहे हैं कि हम मुसलमान को वोट चाहिए, मुसलमान का ही चाहिए, वो हम देखे नहीं, आप सुने भी नहीं। मेरे कहने का मेरे कहने का ये मतलब था कि ओवैसी साहब की पार्टी जो है बंगाल में चुनाव लड़ रही है, आपको कुछ सीटों पर पता है? हाँ, कुछ सीटों में। अच्छा, वो कौन सी सीटें हैं? वो सीटें वो हैं, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ तो सुनिए। तो वो सीटें वो हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, यहाँ मुस्लिम वोट ज्यादा है। तो वो तो भले वो कहने रही हो खुल के, उनके मकसद तो यही है, वो दावेदारी तो इस पे कर रहे हैं ना, तो आप लोग देंगे, उनको पसंद करते हैं, देंगे? नहीं, बात वो नहीं, सरकार जो अच्छा होगा उसी को देंगे। वोट ऐसे ही देना नहीं है, बेकार फजूल वोट देना बेकार है। वोट उसी को दीजिए जो शांति रखेगा, हम देश शांति रहेंगे तो उसी को वोट देना है। ये सब को वोट देना बेकार है, कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो या कोई भी हो, उसमें कोई आता नहीं जाता, इसमें कोई परेशानी नहीं। एक ही बात है कि जो शांति रखेगा उसी को वोट देना चाहिए, हम लोगों को सबको मिलता है शांति। अभी ममता रखा है, बहुत शांति है, आटा मिलता है, चावल मिलता है, दाल मिलता है, स्कूल का बच्चों को हर कुछ मिलता है, साइकिल भी मिला है अभी शादी के बाद, 25,000 रुपये भी मिलता है भाई, क्या नाम है उसको, कोंडासरी। और क्या चाहिए, इससे ज्यादा फैसिलिटी कोई दे ही नहीं सकता। ममता का ममता का चीज ऐसा कौन सा चीज नहीं है? नहीं है तो आटा का पैकेट है। ममता का कुछ भी अगर नहीं हो तो आटा का पैकेट है, चावल है, हर चीज है, जो भी है। लेकिन बाकी सरकार का देखिए, आप तो है सरकार को वोट देते हैं, इसे फैसिलिटी कोई नहीं दिया। अच्छा, ममता सरकार भी रह के गया, सीपीएम भी रह के गया बंगाल में, कहा कोई? ममता सरकार पे बीजेपी ये आरोप लगाती है कि वो सिर्फ जो है मुसलमानों का फायदा सोचती है, बीजेपी का आरोप है, मैं नहीं लगा रहा हूँ ये, बीजेपी का ये आरोप, बीजेपी का आरोप है, बीजेपी का आरोप। हाँ हाँ, प्लीज आइए। जब बीजेपी आरोप लगाते हैं ममता के, जो मोमेंटन का वोट ज़्यादा ये मिलते हैं, मोमेंटन का काम करते हैं, तो करना शरीर रूपो शरीर अकेले मोमेंटन का नहीं, सबका ही है, सब कास्ट का, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब सबका, करना शरीर रूपो शरीर सबका मिलता है। तो कहाँ से बोला भाई ये मोदी दे बीजेपी दे ममता साइड, वो मुस्लिम को ज़्यादा देखते हैं, हिंदू लोग को नहीं देखते हैं, स्कूल का साइकिल सबको दिया है। वो क्या कहा है कि इस पार्टी में इस पार्टी को साइकिल मत दीजिए, उस पार्टी को मत दीजिए, टीएमसी पार्टी वाला को दीजिए, ये तो कहा नहीं, तो क्या फायदा है इसने आरोप लगा के? नहीं, हिंदू ये गलत लगा रहा है, हिंदू मुस्लिम का झमेला लगाता है तो मोदी लगाता है, बाकी कोई नहीं। मोदी अमित शाह बीजेपी पार्टी है, इसके आगे वाजपेयी साहब थे, ऐसा नहीं थे। हम सीधा शंकर राय का ये मुख्यमंत्री हम देखे बंगाल में, देखे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था।
उसके बाद CPM आया, हम शांति में थे, विकास नहीं हुआ है। अभी ममता के, ममता आने के बाद विकास होता है। हम सीधा तो शंकर राय के सरकार देखे, बुद्ध देव को देखे, भट्ट ये के क्या ज्योतु बसु को देखे, आला इससे ममता को हम देखे, सबसे बेहतर सब बेहतर हमको लगता है यही है। अच्छा, हमारा लड़की खुद 25-25 करे 50,000 रूपोश्वरी कन्याश्री दो दो मिला है। अच्छा, उसमें से 16,000 कॉलेज से मिला है हमको। तो आप बताइए किसको वोट, आप देखो तो किसी को नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा और आप मुझे नहीं बताए और आप मुझे नहीं बताइए कि आप किसको देंगे। मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा हूँ, मैं तो ये मैं आपकी बात समझ गया जो आप पूछना चाह रहे हैं। मैं आपसे एक चीज, जो आपने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया, आपने जिक्र किया, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अच्छा, वो अच्छे थे, बीजेपी शांति में थे। एक मिनट, हाँ क्या करें, बीजेपी सरकार बनना था, अटल बिहारी वाजपेयी पास रखा, बहुत शांति में था। उसके बाद जाने के बाद फिर कांग्रेस चला आया, कांग्रेस का भी शांति में था। जब से मोदी आया है तब से बेचैन करके रखा है उसको, मोदी अमित शाह योगी तीनों ने भड़काऊ भाषण देते हैं। ममता कहाँ भड़काऊ भाषण दिया, देखिए हम दुकान करते हैं, हम दुकान है, दुकानदार है। जिस टाइम हम 10,000 का करते थे, अभी जो कर रहे हैं 5,000 का कर रहे हैं। किस लिए? मैं बीजेपी सरकार आने के वजह से, लॉकडाउन की वजह से। नहीं, लॉकडाउन तो हो गया, लॉकडाउन तो अगला साल से हुआ है। बीजेपी सरकार तो आज से 6-7 साल से है ना, इसी वजह से जब से आया है ये सरकार तब से हर एक का व्यवसाय डाउन है। क्या करेंगे, किसको वोट देंगे बताइए, हम नहीं कर रहे हैं, सबको ही कर रहा है। ये आप मुझे थोड़ा सा बताइए और फिर मैं आप इधर भी आइए। दो बुजुर्ग हैं आप हमारे साथ और इन्होंने बहुत अच्छी इनके हिसाब से चर्चा छेड़ी है। आप दोनों ने जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी का और आपने ये कहा, जैसे चचा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो देश शांति में था। क्या शांति में था जरा मुझे बताइए। बहुत शांति में, कोई गुलमान नहीं होता था, कहीं मार लड़ाई मार फसाद नहीं होता था, कोई चीज़ का मतलब प्रॉब्लम रेट नहीं बनता है, कोई ये नहीं करता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई भेदाभेद नहीं, कोई जाति भेदाभेद नहीं। अभी अमित शाह बोल रहा है गोरु बंद कर देंगे, क्या बंद कर देंगे, ये कह रहे गोरु, ये योगी ने आके मालदा में ये किया हुआ, कोई शोर खाएगा, कोई गोरु खाएगा, कोई खस्सी खाएगा, वो अपना मर्जी, अपना मर्जी। हमको हिंदू मुसलमान लेके चलना होगा, चलना होगा, सब भाई भाई हमारी, हिंदू लोग हमारे घर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। हम भेदाभेद नहीं किए, भेदाभेद करता है जो योगी, मोदी, अमित, ये तीनों। आपको लगता है कि राजनीति साहब के टाइम में बहुत अच्छा थे, ये सब भेदाभेद नहीं दे, ये वो मुसलमान है, ये हिंदू है, वो हिंदू है, विकास नहीं होता, ये कोई नहीं थी। अच्छा, ये उस समय से आप लोगों को शिकायत नहीं थी? नहीं, कोई शिकायत नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि NRC का कितना आप लोगों पे असर पड़ रहा है, NRC का कुछ असर पड़ रहा है, जो बार बार NRC का उनका जिक्र उठता है तो पश्चिम ये बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, वो सही है, लेकिन है हम इधर बहुत दिन से, हमारा बाप दादो चाचा चाची कितना साल से जो है कोई ठिकाना नहीं, लेकिन ये NRC करता है, NRC बोलता है, NRC लगा देगा तो सिर्फ मुस्लिम पे लगाने चाहता है उन लोग, जो हिंदू सब सुनने कर रही है, कोई भी ये गलत है। आप देखो देखो होगा तो एक मिनट सुन दो, हमारे उम्र में हम देखे हैं, हमारे CS का कब्जा था, बहुत सारे हैं हमारे, और हम देखे रिफ्यूजी लोग हमारे जब आए थे उधर से 1 रुपये का मजदूरी देते थे, उससे वो आधा किलो आटा और चावल देने पड़ता, और 10 पैसा उनको कीमत। सब आया है कहाँ से, बांग्लादेश से, हम देखे हैं उन लोगों को। अभी बोलता है अमित शाह दे हम मुसलमान आए हैं उधर से, कितना दिन का, ये तो समय सीमा होना चाहिए, जो NRC जो लगाएगा कितना दिन का कब्जा देखेगा, पूर्व कितना दिन का देखेगा, वो लोग बात एक होना चाहिए। अभी बोलता है मुसलमान को भगाएंगे, अभी बोलता है हिंदू लोग को काट देंगे, NRC का कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। तो ये द लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा, मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश बॉर्डर के करीब बसे एक गांव से, इस गांव में जो अच्छी चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं वो ये आ रही है कि स्ट्रीट लाइट है, सोलर लाइट है, बिजली रहती है यहाँ पे? हाँ, बिजली रहते हैं। कितने घंटे? ये वो अच्छा ही रहते हैं यहाँ। अच्छा, ठीक रहता है? जी जी, ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिजली नहीं रहता, बाकी ये आधा घंटा नहीं रहता है, ये और बहुत है, बाकी रहता है, बाकी रहता है। सड़क आपके गांव में हर तरफ है, ऐसी सड़क जैसी यहाँ पे हर तरफ हो गया है, लगभग हर तरफ जी, वो सोलपरा जाने का कुछ बाकी है हम। अच्छा, इंशाल्लाह हो जाएगा, वो हो जाएगा, हो जाएगा।
तो ये बॉर्डर के करीब का एक गांव, यहाँ पे कुछ बातें हुई गांव के आबो हवा के बारे में, इनके रहन सहन के बारे में, बॉर्डर के करीब रहने से जो दिक्कतें आती हैं। तो जो मुझे समझ में आया उसमें एक मेन दिक्कत है कि बॉर्डर के उस तरफ जो ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, वहाँ जाने आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन उसमें भी जो बुज़ुर्ग थे उनका कहना था कि वैसी दिक्कत नहीं होती है, BSF के लोग बहुत कोऑपरेटिव तरीके से साथ देते हैं। गाँव में सड़क है, बिजली की व्यवस्था है। हमें शुरू में एक लड़की मिली जिसने बताया कि उसे सरकारी योजना से साइकिल मिली है। अभी ये मिले जिन्होंने बताया कि इनकी दो बच्चियों को सरकार की दो योजना रूपकश्री और कन्याश्री का फ़ायदा मिला है। तो यहाँ से ये बॉर्डर के करीब के गांव से द लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा की रिपोर्ट। मैं हूँ विकास कुमार और कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं रूहानी। देखते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए हमारी रिपोर्ट्स के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया।